व्यूवर्स आप कैसे हो आज मेरे घर में दावत थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं तो आज हमें बहुत मज़ा आया हमने मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई आज मेरी कज़न आई थी वो खुद अकेली ही आई थी क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं हैं तो वो खुद ही आई थी तो मैंने सोचा उसके लिए थोड़ा अहतमाम किया जाए तो मैंने मैंने उसके लिए काफ़ी चीज़ें बनाई और उसको जो जो पसंद था मैंने वो इसके लिए बनाया और उसे बहुत ही अच्छा लगा उसे बहुत खुशी हुई मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत है तो उनको खुश करके ही भेजना चाहिए तो बस मैंने उनके लिए बहुत सारे आइटम्स बनाए और अभी मैंने सालन चावल की तैयारी कर दी मैंने बोला सोचा कि थोड़ा शोरबा चावल भी बना लूँगी ताकि अगर बच्चे कुछ फ़्राइज कुछ कभी होता है कि फ्राइड किसी बच्चों को पसंद नहीं होती तो हम उनके लिए चावल की रेसिपी डाल देते हैं ताकि वो उनका भी पेट भरा रहे और वो भी कुछ वो ना करें तंग ना करें बच्चे क्योंकि तो मेहमान आते हैं तो हमें उनके भी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है तो मैंने कम क्वांटिटी में गोश्त का सालन चावल भी डाल दिया ताकि बच्चों के लिए भी आसानी हो वो भी अपने मज़े का खा सके तो मैंने स्पीड में जल्दी जल्दी से सब तैयारियाँ की सफ़ाइयाँ की घर की और बहुत ही अच्छा लगा मेरी कज़न से मुझे बात करके वो स्क्रीन पर नहीं आई उन्होंने मुझे मना किया इसीलिए मैंने इसीलिए मैंने इनके साथ कोई वीडियो नहीं बनाई लेकिन आपके साथ उनकी बातें ज़रूर शेयर करूँगी और और मुझे बहुत ही मज़ा आया उनके साथ बात करके बहुत अरसे बाद वो आई मेरी घर पर आई थी वो स्पेन में रहती हैं तो वो स्पेन की सारी बातें मैं बता रही थी कि वहाँ कैसे रूल्स हैं और पाकिस्तान में उन रूल्स को ज़रा भी फॉलो नहीं किया जाता उसके बारे में उन्होंने बताया मुझे वहाँ तो गैलरी में हमारे यहाँ तो बेलकनी में हम कपड़े सुखा लेते हैं और कितना कोई कोई तो स्पिन नहीं करती हूँ नीचे पानी गिर रहा होता है सब तकलीफ़ में आ रहे होते हैं कितने लोग परेशान हो रहे होते हैं लेकिन स्पेन और बाहर मुल्क के लोगों में बाहर मुल्क के तो रूल्स ही अलग हैं वहाँ तो बालकनी में तो हम लगा सकते हैं कपड़े लेकिन बालकनी के बाहर हम कपड़े नहीं टांग सकते इससे उनके रूल और रेगुलेशन के ख़िलाफ़ वर्जी होती है और उनके ऊपर चालान लगता है तो मुझे तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी और हमने तो अपने पाकिस्तान का ज़रा अभी ख्याल नहीं रख रहे इतना इतना हम कोई कहाँ कचरा फेंक रहा है कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है हम किसी को कुछ मना भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे यहाँ की रूल्स ही नहीं हैं कुछ ऐसे जिसके ऊपर हम फॉलो करें और हम खुद से तो एहतियात करते हैं और अल्लाह ताला हमें एहतियात ही करने की तौफीक दे बाकी हम उन लोगों में से नहीं हैं जो इस तरह रास्तों में कचरे फेंकें और गंदगियाँ मचाएँ या फिर हम कपड़े ऐसे गीले लगाएँ कि हर आने जाने वाला परेशान हो उसके कपड़ों पे वो नमाज़ पढ़ने जा रहा हो उसके कपड़ों पर छींटे पड़ जाएँ तो ना तो हमारे ही सर ना तो वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता रही थी उसमें इसने ये बात बताई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ अच्छा आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और चले हम वीडियो की तरफ चलते हैं तो मैंने 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 इनके लिए समोसे फ्राइस और सालन चावल थोड़ा सा बना डाला था और और मैंने मिंट रोल बनाए थे इसे बहुत ही पसंद है मेरे हाथ के मिंट रोल तो मैंने मिंट रोल बनाए मुझे मिंट रोल की रेसिपी बहुत अच्छी आती है आप ज़रूर देखिएगा और मैंने सालन चावल की तेज रेसिपी आपको आती ही होगी लेकिन मैंने अलग ही तरीके से बनाए देखिएगा पहले से ही अगर सब्ज़ी अगर हम काट के रख लें तो बहुत इजी हो जाता है खाना पकाना और मैंने आज बाहर का मसाला यूज़ किया शान का और इसी से मैंने चिकन को मैरिनेट किया और पकाने रख दिया ताकि मुझे मेहमान के साथ बैठ कर बातें करने का टाइम मिल सके वरना क्या हम किचन में ही रह जाते हैं और मेहमान के जाने का टाइम हो जाता है तो मैंने इस तरह किया फॉलो काम के मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा दिए ताकि वो आएँ तो हम बैठ तो सकें उनसे बातें कर सकें तो बहुत ही मज़ा आई मुझे इनके साथ बात करके और बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की मेरे खाना पकाने के दौरान मेरी बहुत हेल्प की और बहुत खुश थे मेरे बच्चे क्योंकि इनकी पसंद के फ़्राइज़ भी मैंने बनाए थे और चीज़ की रेसिपी बनाई थी तो वो मेरा साथ दे रहे थे माशाल्लाह। आज मैंने काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई है और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे आपसे यही कहना है कि हमें अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि वो कभी नाराज़ ना हो हमसे हमने हर किसी के लिए क्वालिटी टाइम निकालना चाहिए मैं आप आपको बात बताऊं कि मैं हर बच्चे के लिए अपने मेरे तीन माशाल्लाह बच्चे हैं मैं तीनों बच्चों के लिए अलग अलग टाइम स्पेंड करती हूँ उनके लिए क्वालिटी टाइम कलेक्ट करती हूँ मेरे बच्चे को क्या उस टाइम अच्छा लगता है मैं उस टाइम उसके वही बात करती हूँ उससे उसी बात के साथ उसे इसको क्वालिटी टाइम देती हूँ ताकि उसे ऐसा लगे कि मेरी माँ ने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया और वो उसी के साथ ही मैं टाइम स्पेंड करती हूँ ताकि उसे ऐसा लगे ना कि मैं सिर्फ ऐसे ही अपने काम के लिए और मोबाइल आजकल आज आजकल आज, आज बच्चों के पास भी मोबाइल के अलावा और कुछ काम ही नहीं है वो स्क्रीन में ही रहते हैं इसमें भी माँ बाप की गलती है कि वो बच्चों को टाइम नहीं देते तो वो मोबाइल में ही अपने सारे मसले हल कर देते हैं तो, अच्छा तो देखें हमने चीज़ कट कर ली मैंने मोजरेला चीज़ ली थी ताकि बहुत अच्छी बन अच्छा टेस्ट आता है इस चीज़ से अच्छा और मैंने मिंट लीव्स ली हैं उनको मैंने फ़्रेश काट के ड्राई कर लिया था फिर मैंने इन्हें थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है और मैंने चिकन भी तकरीबन बन ही गई है अब मैं उसे पीस लूँगी ताकि रेशा रेशा होता है तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है उसमें और फिर इसे हम बांध लेंगे तो इनशाला मैं आपको ज़रूर इसकी रेसिपी आप आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा ये बहुत ही अच्छी बनती है टेस्टी बनती है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस रेसिपी को आप ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा मेरी कज़न जो स्पेन में रहती है वो जो आज मेरी मेहमान बनी थी उनको मेरी डिशेज़ बहुत पसंद आई उसने उसने मुझे बहुत शुक्रिया कहा और बहुत खुश हो गई मेरे लिए सूट लेकर आई थी मुझे बहुत ही पसंद आई उसकी ये सूट और साथ ही मैंने अपनी मदर को भी बुला लिया था तो मेरी मदर तो बहुत ही खुश हुई थी उनके साथ क्योंकि मेरी मदर की बहन का इंतकाल हो चुका है तो उनकी ही बेटी है तो मम मेरी मदर बहुत ही खुश हुई और आज गैस नहीं थी घर में तो मैंने सोचा कि सिलेंडर से ही खाना पका लूँ आजकल कराची के हालात कितने खराब हो गए हैं कि ना लाइट होती है ना बिजली बस परेशानी ही परेशानी बस अल्लाह हम पर रहम करे और हमारी आसानियाँ करे तो देखो व्यूवर्स मैंने चिकन को मैं मैंने पका लिया था फिर मैंने ऐसे ग्राइंड कर लिया और मिंट देख लें आप मैंने मिंट मिंट के लीव्स भी मिला दिए हैं साथ, साथ ही ताकि इसका टेस्ट इसमें रच बस जाए और मैंने चीज़ चीज़ भी स्प्रिंकल कर दी और अब मैं इसे तैयार कर रही हूँ बेंड कर रही हूँ ताकि वो जब तक फ्राई करने का टाइम हो उससे पहले ये बन जाए ना ताकि हमें एक ऐसा होता है कि हाँ बस अच्छा हुआ एक काम मुकम्मल हो जाता है इस तरह और ये काफ़ी बन गए थे तो मैंने कुछ इस फ्रीज भी कर लिया और कुछ मेरी कज़न को घर के लिए भी दे दिया मैंने ताकि वो खुश हो अपने घर पे जाके भी मेरी टेस्ट को याद रखे तो वो बहुत खुश हुई मैंने उसे घर के लिए भी थोड़े से मिनट रोल और समोसे और पैक करके दिए वो बहुत ही खुश हुई और मेरी बेटी तो इतनी खुश थी मेरी कज़न के आने से वो उसे बहुत फ्रेंडली फ्रेंडली लगती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वो लविंग है तो बच्चों से बहुत ज़्यादा गुल मिल जाती है तो मेरे बच्चों को बहुत ही मज़ा आया उनके साथ मैंने जल्दी जल्दी सारे बांध लिए थे देखिए मैं कितनी स्पीड स्पीड में कर रही हूँ काम ताकि मैं अपनी कज़न के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ और मेरी कज़न के हस्बैंड स्पेन में ही रहते हैं वो नहीं आए क्योंकि उनका वहाँ काम था तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आ रहा तो मेरी कज़न यहाँ आई है दो मंथ के लिए क्योंकि इनको यहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ अब स्टेबल हो जाएंगी तो मुझे लग रहा है कि वो अब यहाँ घर रोड सब की सेटिंग बना रही हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि स्पेन में बहुत ज़्यादा महंगाई है पाकिस्तान में भी बहुत महंगाई है लेकिन स्पेन से कम है वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते लोग इस वजह से शायद वो अब यहीं स्टेबल हो जाएंगे मैंने बहुत सारे मंट्रोल बना दिया काफ़ी मसाला बच भी गया था मैंने उसे फ्रीज भी कर दिया फिर और ताकि फ्रीज़ हो जाए और फिर दूसरे दिन हमने बनाया इसे तो भी वही फ्रेशनेस ही थी उसके अंदर बहुत ही टेस्ट अच्छा था इसका तो आप ही ज़रूरी है मिनट रोल रेसिपी बनाइएगा और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप खाना पकाते पकाते आप दूर शरीफ का विद क्या करें अल्लाह ताला का नाम लिया करें तो आपके खानों में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा क्योंकि हम जब नेगेटिविटी के साथ खाना पकाते हैं तो हमारे हमारे जो खाने हैं उनमें भी टेस्ट नहीं आता नेगेटिविटी की वजह से पॉजिटिविटी और प्यार से खाना बनाएं जब भी आपका मूड अच्छा हो तब खाना बनाएं तो देखें आप खाना आपका कितना अच्छा बनेगा और अल्लाह का नाम लेकर रहीम पढ़ के हर मसाले को ऐड करें फिर देखें आप खाने में टेस्ट का मज़ा कितना दुबाला हो जाएगा कोई ये कहेगा ही नहीं कि ये बाज़ार का नहीं है बाकी बाज़ार का तो खाने से बहुत ही अवॉइड करें क्योंकि आज इतनी में आजकल इतनी महंगाई है कि लोग कचरा पका रहे हैं यही मैं कहूँगी बाज़ार का खाना बिल्कुल डेंजरस है लोग कचरा ही डाल रहे हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक है हमें थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होती है लेकिन गर्मी भी लगती है सर्दी भी लगती है लेकिन हमारे हस्बैंड भी तो घर पे नहीं होते वो भी तो हमारे लिए ही काम पे जाते हैं ना तो हमने दिल लगा के अपना अपना भी काम पूरा करना चाहिए हमने भी पकाना चाहिए इनके लिए अच्छे डिशे बनानी चाहिए और खाना बना के अच्छा खाना बना के इनको देना चाहिए ताकि वो खुश हों हमसे और अल्लाह ताला भी हमसे खुश होगा मैंने रोल बाइंड कर लिए और फिर इसके बाद मैंने इनकी फीलिंग स्टार्ट की ताकि मैं इसे बाइंड कर सकूं तो मैंने दो अंडे लिए और उन, उनको फेंट कर रोल में डिप कर दिया और फिर ब्रेड क्रम्स लगा कर मैंने सारे रोल इसी तरह सारे रोल लगा के फ्रीज कर दिए ताकि वो सेट हो जाएं ब्रेड क्रम खुश हो जाए थोड़ा सा तो वो तेल में निकलता नहीं है तो इस तरह और क्रिस्पी भी बनते हैं बहुत रोल तो आप भी उसी उसी वक्त जब भी आप इस तरह ब्रेड क्रम लगाएँ तो थोड़ी देर बाद आप उस रोल को फ्रीज़ कर दें ताकि वो सेट हो जाए और ब्रेड क्रम छूटे ना तो इस तरह टेस्ट भी अच्छा बनेगा और ब्रेड क्रम वो तेल में भी ब्रेड क्रम्स हल नहीं हो जाएंगे आपने देखा होगा तेल फिर तेल में ब्लैक 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 दाने दाने हो जाते हैं तो आप ये ज़रूर याद रखा करें कि जब ऐसा कभी हो तो आप तेल को छान के फिर रखा करें ऐसे ना रखा करें और दस छः या पाँच बार जब हम फ्राई कर लेते तेल की क्वालिटी ख़राब हो जाती हो तो उससे आप डिस डिस्पोज़ कर दिया करें उसे आप यूज़ ना किया करें वो सेहत के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं होता जब मेरी कज़न के खाने का टाइम हुआ माशाल्लाह फिर हमने फ्राई किया उसने मेरी बहुत हेल्प की उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें रोल फ्राई करके देती हूँ तो उन्होंने मुझे रोल भी फ्राई करके दिए और हमें बहुत मज़ा आया